आ जाओ नौ भाई, ये वो आदमी है जो बच्चे इन पर कबाड़ी काम करवा रहे हैं। बेटा जरा बेटा जरा इधर आ बेटा, सिस्टम हो जाएगा सारा खराब, सिस्टम खराब हो जाएगा सारा। भाई ये वो आदमी है जो बालकन पर रोज रोज भीख मंगवावे है। ये बालक पकड़ गला, ये बालक पकड़। भाई ये वीडियो देखते ही शेयर कर दो एक बार सारे, एक बार भाई देखते ही इस वीडियो को शेयर कर दो। ये मुल्ला जी भाई पकड़ लिया हमने, जो बच्चे इन पे ये काम करवाते हैं मुल्ला जी पकड़ लिए भाई। ये रे वहाँ कहाँ जा रहे हो गाँव भाई, इस वीडियो को एक बार शेयर कर दो दिल्ली पुलिस के पास। मुल्ला जी नाम बताओ अपना, नाम बताओ भाई। ये देखो इस बच्चे पे, इस छोटे बच्चे पे बेटा रोज कबाड़ी काम यही करवाते हैं ना। पैसा कौन देता है तेरे को, सच बोलियो कितना पैसा देते हैं, कितना पैसा देते? डर मत बेटा, 100 या 50 रुपए। भाई ये देखो पकड़, भाई पकड़, पूरी ऑल ओवर इंडिया देखी है यहाँ बात करो भाई। रोज 100-150 रुपए के लालच में बच्चे इनका भविष्य ये खराब कर रहे हैं। क्या नाम है भाई इनका, नाम बता। अरे यहाँ देखो भाई साहब माफ नहीं करेंगे, पूरा संसार देख रहा है, भाई साहब माफ नहीं करेंगे। भाई ये देखो इस बच्चे की, भाई साहब बेटा क्या नाम है आपका, अमन बेटा, रोज के कितने पैसे देते हैं आपको ये है? सच बता बेटा, डर मत सच बता, 100 या 50 रुपए। ये भाई मुल्ला जी ये इन पर रोज यही काम करवाते हैं। हमने कल भी यही फैमिली देखी थी भाई साहब, दो फैमिली इनके 11 बच्चे हैं और उन बच्चों पर यही काम करवाते हैं। ये हिंदुस्तान का भविष्य है भारत का, ये भारत का भविष्य खराब कर रहे हैं भाई साहब, लालच दे रहे हैं ऐसे लोग। इनकी एक बार शक्ल देख लो, इस वीडियो को शेयर कर दो भाई। मुल्ला जी एक बार नाम बताओ, कहाँ क्या क्या काम करता है यहाँ बताओ। अरे करो पकड़ फोन, अरे यहाँ दिखाओ मुँह, मुँह दिखाओ। लवी तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, माफ नहीं करते, तुम्हें भगवान भी माफ नहीं करेगा, तुम्हें कानून भी माफ नहीं करेगा, तुम बच्चे की जिंदगी तो खेल रहे हो। नाम क्या तुम्हारा, आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड पैन कार्ड, फिर पैसे काम करवा रहे हो इन बच्चे, इन पर काम करवाने का क्या फर्क हुआ तुम्हारा, लाइसेंस है कोई काम करने का, लाइसेंस नहीं है, फिर कैसे काम करवा रहे बच्चे इन पर। यहाँ घुमाओ फोन बंद कर, यहाँ देख भाई ये वो आदमी है, नाम बता अपना पूरा नाम, नाम बता भाई। फतेहपुर बेरी में, दिल्ली में फतेहपुर बेरी में ये वीडियो बन रही है इस समय लाइव, ये अभी लाइव बच्चा हमने पकड़ा है भाई साहब। इसे रिक्शा पे ले जा रहे थे बेटा, ले जा रहे थे ना, रोज काम करवाते हैं, कितने पैसे देते बाबू भाई साहब, 100 या 50 रुपए देते हैं ये, ऐसे ना जाने कितने बच्चे होंगे जिनकी जिंदगी खराब कर रहे हैं ऐसे आदमी, न पढ़ने दे रहे और ये सोच रहे हैं कि ये वीडियो रुक जाएगी। भाई इस वीडियो को एक बार शेयर कर देना, जो ऐसे नादान बच्चे इनकी इनकी जान बचाई जा सके, इनका बचपन इनसे छीना ना जाए। भाई साहब नाम बताओ अपना, अरे नाम बताओ ना, बच्चों पर काम क्यों करवाते हो, कितने बच्चे ऐसे आपके पास ये बताओ, ऐसे और कितने बच्चे हैं, बच्चे रहा मेरे पास बेटा, तेरे जैसे और कितने बच्चे काम करते हैं इनके पास। अरे बड़ा लड़का है बता, एक दो और, एक और चुप, अब उसके सुनन देगा ना। तुम्हारे जैसे ही भाई बच्चों पे बाल मजदूरी करवा रहे हैं भाई साहब, भाई साहब बाल मजदूरी करवा रहे हैं इन बच्चों को, 150 का लालच देकर ये उल्टे सीधे नशा करते हैं, फिर जो हमारे देश का भविष्य है उसको खराब कर रहे हैं ऐसे आदमी। भाई इनकी शक्ल देख लो, इनकी शक्ल देख लो भाई साहब, बड़ा लड़का है ये बच्चा। भाई मैंने पहले भी समझाया था, कल भी मिला था बेटा, मैंने इसे जब भी समझाया भाई साहब, इन आदमी की शक्ल देख लो एक बार अच्छी तरह, ऐसे ना जाने कितने लोग हैं, ऐसे ना जाने कितने आदमी है जो इस तरह भविष्य खराब कर रहे हैं बच्चों का हिंदुस्तान में। अपना पूरा नाम और एड्रेस बताओ, अपना आधार कार्ड दिखाओ, यहाँ समझाने की बात मत करो, मुझे मत समझाओ, इन बच्चों का भविष्य क्यों खराब कर रहे हो, क्यों खराब कर रहे हो इन बच्चों का भविष्य, नहीं इन पर क्यों काम करवा रहे हो, हमारे जैसे इन पर काम करवाओ, जवान आदमी इन पर काम करवाओ। भाइयों ना जाने कितने टाइम से ये ऐसे बच्चे इन पर काम करवा रहे हैं। अब आप सबके हाथ में इस वीडियो को शेयर करना, दिल्ली में फतेहपुर बेरी में मुल्ला जी रहते हैं, और भाई आज लाइव हमने पकड़ा भी इन्हें, और ऐसे ना जाने कितने ऐसे बच्चे
जिनकी जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, जिनका बचपन छीना जा रहा है, इस उम्र में इन बच्चों को खेलने कूदने की जरूरत है। भाई साहब ये खेलेंगे कूदेंगे जब भी भाई साहब कुछ कर सकते हैं। ये दिन रात इनके सिर पे एक बोझ है कि इन्हें रोज 100-200 रुपए कमा के लाने हैं। बस माँ बाप भी ऐसे हो गए, ऊपर से ऐसे काम देने वाले हो गए। ये आदमी मुझे बार बार हाथ पकड़ के ये कह रहा है, भाई साहब इधर बात कर लो। ये मुझे घूस देने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे घूस देने की कोशिश कर रहे हैं। भाई अपना नाम क्यों नहीं बता रहे आप? नाम बताओ ना। हाँ तो नाम बताओ। नहीं इधर उधर से फैसला क्यों करवा रहे हो? ए भाई भाई यहाँ ये बताओ नाम क्या है आपका? हाँ नाम क्यों नहीं बता रहे? बच्चों पर काम क्यों करवा रहे हो फिर अभी? हाँ तो फिर काम क्यों रहे हो? फिर तुम खड़े खड़े काम क्यों रहे हो? जब तुम गलत नहीं हो ये काम क्यों रहे हो तुम? हाथ पांव कैसे कांप रहे तुम्हारे? दवाई खाओ। भाई साहब इस वीडियो को इतना शेयर करो जो सारी ऑल ओवर इंडिया तक ये वीडियो पहुंच सके। आप सबके हाथ में इन बच्चों का भविष्य बचाना, इनको न्याय दिलाओगे आप सब, इनके बचपन को बचाओ। भाई एक बार इस वीडियो को इतना शेयर कर देना जो ये वीडियो रुक ना सके किसी के रोके से भी। भाई मुल्ला जी पूरी कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो को रोकने की और हमें समझाने की। भाई भाई अगर सच में आप इन बच्चों से प्यार करते हो, इनका बचपन चाहते हो, इनकी जिंदगी चाहते हो, तो भाई इस वीडियो को शेयर कर देना। आपका इस वीडियो को शेयर करना इन बच्चों की जान बचाएगा मेरे भाई। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये आदमी अपना नाम नहीं बता के दे रहा। भाई फतेहपुर में कहाँ रहता है मुझे नहीं पता। अरे भैया नाम क्यों नहीं बता रहे तुम? नाम बताने में क्या दिक्कत है? अरे तुम्हें नाम बताने में दिक्कत क्या भाई? हाँ भाई ऐसे ना जाने भाई हमारी सोसाइटी में कितने ऐसे लोग होंगे जो इस समय ऐसे बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। भाई नाम बताओ, तुम्हें नाम बताने में क्या दिक्कत है? तुम्हें नाम बताने में दिक्कत क्या है मुल्ला जी? अगर तुम्हारा खुद का बच्चा होता तुम उसको भी ऐसे काम करवाते? उस पे भी यही काम करवाते तुम? हाँ भाई वहां मत भागो, जब बात यहाँ चल रही भागो मत यहाँ। हाँ भाग कौन रहे हो फिर? भाग क्यों रहे हो? भाग क्यों रहे हो? भाई अपना नाम बता, अपना एड्रेस बता, यहाँ कहाँ रह रहा है, और अपना आधार कार्ड दिखा, हम देखेंगे ना। टोका पोका छोड़, बच्चे इनके भविष्य के साथ क्यों खेल रहा है? हम दिन रात पैसा लगाते हैं इन बच्चों के जीवन बचाने के लिए, और तुम्हारे जैसे लोगों ने इन बच्चे इनका जीवन नरक कर रखा है। तुम्हारे जैसे आदमी ने 150 रुपए का लालच देते हो, 150 रुपए का लालच देते हो और इनकी जीवन खराब करते हो। ये छोटे मोटे नशा करने लग जाते हैं, फिर नशा करते करते इनका जीवन बर्बाद हो गया ना इनका। फिर अरे तुमने तो अपने काम करवा लिया, इन पर 200-400-1000-500 का कूड़ा उठवा लिया कबाड़ी का, इसकी जिंदगी तो खराब होगी। भाई लाजी ऐसे बात नहीं बनेगी, ऐसे नहीं जाने दूंगा। अपना एड्रेस बताओ, आधार कार्ड दिखाओ, अपना नाम बताओ। आप नाम क्यों नहीं बता रहे भाई? नाम क्यों नहीं बता रहे आप? अगर आप ठीक आदमी हो, क्यों भाई गलत कह रहा हूँ क्या? आप सब देख रहे हो भाई, भाई सबके सामने लाइव वीडियो बन रही है। भाई गलत कह रहा हूँ तो बताओ ना, आप नाम बताओ अपना। आप क्या काम करवाते हो बच्चों पे, खुल के बता दो एक बार, खुल के बताओ ना। तो फिर अपना नाम क्यों बताने में शर्म आ रही है आपको? आप नाम क्यों नहीं बता रहे अपना? भाइयों ये आदमी जो अपना नाम नहीं बता सकता, आप समझने वाले समझ जाओ ये खुद कितना गलत आदमी है। और ऐसे ना जाने कितने बच्चे होंगे जिनकी जिंदगी रोज के रोज बर्बाद कर रहा है। भाई 150 के लालच में अपना काम लिखवाते हैं, दिन रात गंदगी में जाते हैं बच्चे, कूड़ा बींधते भाई साहब, भीख मांगते हैं, सब काम करवाते हैं। ऐसे मुला जी अपना नाम नहीं बता रहा, आप सबके सामने लाइव वीडियो चल रही भाई, दिल्ली में असौला फतेहपुर बेरी गांव में सरकारी स्कूल के पीछे। ये आदमी अपना नाम नहीं बता रहा भाई, भैया ऐसे तो नहीं जाएगा। तो ये बताओ कहाँ है दुकान, कहाँ तुम्हारी फतेहपुर बेरी में दुकान कहाँ है, कहाँ काम करता है ये? हाँ तो बताओ ना। नहीं बच्चों पे काम क्यों करवा रहे हो? कौन सा लाइसेंस है तुम्हारे पास? किसने अधिकार दिया तुमने बच्चों की जिंदगी से खेलने का? हाँ तो फिर कैसे जा रहे हो ऐसे, फिर कैसे जा रहे हो? बेटा यहाँ खड़ा हो, एक बार इनके साइड में खड़ा होकर बता, काम करवाते हैं ना तेरे पे 150 रुपए के लालच में? सच बोल, है ना भाई? एक बार इस वीडियो को इतना शेयर कर दो ऑल ओवर इंडिया में, दिल्ली पुलिस हरियाणा पुलिस हर जगह जानी चाहिए भाई। ये रिक्शा है भाई जहाँ पे बच्चा बेचारा इसको चलाता है और मुलाजी के लिए कमा के देता है, और ये भाई मुलाजी की मोटरसाइकिल है, ये नंबर है,
ये नंबर है भाई साहब। अब आप बताओ ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए भाई, ऐसे लोगों के साथ होना क्या चाहिए ये बताओ आप। और भाई ये आदमी अपनी जान बचा के जाना चाह रहा है और मेरे से बोल रहा है कि भाई इधर आ जा, इधर कोपचे में आ जा, थोड़ा साइड में बात कर लेते बैठ के। भाई क्या बात करूं मैं इस आदमी से बात क्या करूं भाई, ये जबरदस्ती भाग रहा है भाई। रुक जा भाई, हाँ मुन्ना जी रुक, हाँ रुक जा, हाँ रुक। हाँ तो फिर अपना नाम क्यों नहीं बता रहे तुम, नाम क्यों नहीं बता रहे, नाम बता के जाओ, भाग जाओ, नाम बता के जाओ, नाम बताओ। ये लूट नहीं मच रही, बच्चे की जिंदगी तो खिलवाड़ नहीं होगा। अगर ये बच्चा आप में से किसी का होता खेलने देते इस बच्चे को ऐसे? हाँ भाई इसे यहाँ रोको, भाग क्यों रहे हो, भाग क्यों रहे हो, बता के जाओ, नाम बताओ ना अपना, नाम बताओ, क्यों काम करवाते हो इनपे, अपना नाम क्यों नहीं बता रहे, नाम क्यों नहीं बता रहे अपना, नाम बताओ अपना। पूरी दिल्ली सरकार देख रही है, बाबू नाम है, बाबू कौन से का नाम है भैया, टोपी वाले का नाम बाबू हो ही नहीं सकता। पूरा नाम बताओ, असली नाम, असल पूरा नाम। भाई देख लो आप सबके सामने झूठ बोल रहे भाई, भाई ऐसे नहीं होगा मुला जी, बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। गौरव गलत बात है भाई, जल्दी बताओ आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड नहीं फिर कैसे काम करवा रहे हो, हमें क्या पता तुम कहाँ के हो, कहाँ के रहने वाले हो, ऐसा किसने आपको किसने अधिकार दिया बच्चों की जिंदगी से खेलने का, फिर भाग क्यों रहे हो, भाग क्यों रहे हो, भाग क्यों रहे हो, फिर काम ना करो, काम तो बच्चे कर रहे तुम्हारा। बेटा एक बार सच सच बता, काम तुम करते हो ना, करते हो ना काम, पैसा कौन देता बेटा तुम्हें काम करने का, सच बताना, ये देते है ना कौन, एक बार उंगली कर, ये भाई साहब देख लिया, ये नादान बच्चा भाई साहब इनकी जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भाई, अभी लोगों की भीड़ में से कोई नहीं आ रहा सामने, मगर अगर ये बच्चा किसी का होता इस पूरी भीड़ में से, तो वो अपने बच्चे पे भीख मंगवाता, अपने बच्चे पे काम करवाता जो मुलाजी करवा रहे 150 रुपए के लालच में। भाई साहब बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हैं, और इसके खिलाफ मैं अभी 100 नंबर कंप्लेंट करूंगा, FIR करूंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों के साथ सख्त कार्रवाई की जाए, जो बचपन छीना जा रहा है बच्चों का। भाई साहब चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं, बच्चों से मजदूरी करवा रहे हैं, इस आदमी के साथ क्या होना चाहिए आप खुद बताओगे। भाई ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को इतना शेयर कर दो जो इस गंदे और घटिया आदमी को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके, और ये वीडियो पूरे संसार में जा सके, और ऐसे आदमी के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा आदमी खुद खड़े हो। भाई ये आदमी और लोगों से बात कर रहे हैं कि हमें चुप कर दे, हमें शांत कर दे, क्यों? क्योंकि ऐसे बच्चों का कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है, मगर हम तो हैं। अगर ये बच्चा तुम में से किसी का होता भाई, अगर ये बालक आपका होता, क्या आप इसे कूड़ा बीन में भेजते? गलत है ना, किसने परमिशन दी इन्हें? भाई अगर ये बालक छोटा बालक आपका छोटा भाई होता या आपका बेटा होता, आप उस पर यही काम करवाते नहीं करवाते ना? और बच्चों पर काम करवाने का अधिकार किसने दिया है भाई? ये आदमी ना तो अपना वो बता रहा है, ये देखो ये भागने लगा। हाँ भाई मुला जी यहाँ रुक जा, ये मजाक नहीं चल रहा, ये मजाक नहीं चल रहा, ऐसे कैसे भाग रहे हो फिर, ऐसे कैसे भाग रहे हो? अपना नाम बताओ पूरा, असली नाम क्यों नहीं बता रहे, असली नाम क्यों नहीं बता रहे, क्या नाम है बताओ, असली नाम बताओ, बाबू नाम है, आधार कार्ड कहाँ है? हमारा हाथ कट गया है ना, देख आधार कार्ड ना, फिर वैसी बसे पढ़ाओ, काम कैसे करवा रहे बच्चे इन पापे सब, नहीं बाल मजदूरी कैसे करवा रहे हो, लूट मच रही है कोई? भाई आप फतेहपुर के रहने वाले हो, हमारे बड़े भाई हो, आप करवाते हो बच्चों पर काम? किसी कोई हमारे हिंदुस्तान में कानून है ऐसा? अरे मुलाजी भगमत जवाब दो यहाँ, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, जवाब दो। आप मेरे से फैसला करने की बात क्यों कर रहे थे वहाँ, क्यों ले जा रहे थे मेरा हाथ पकड़ के वहाँ? भाई मेरा हाथ पकड़ के ले जा रहे थे, भाई आ जाओ इधर आके बात कर ले। भैया क्या बात करनी है, क्या बात करनी है इनसे, यहाँ बात कर। किसको बच्चा है? भाई ऐसे ना जाने कितने बालक है जिन पे कूड़े एक ऐसा कबाड़ी का काम करवा, और यह बालक कोरोना के टाइम पे भी गंदगी में ढोला है, इन बच्चे इनकी जिंदगी खराब कर रहे हैं ऐसे आदमी। भाई इस वीडियो को इतनी शेयर कर दो जो ऐसे गंदे और घटिया आदमी ने कड़ी से कड़ी सजा मिले। अरे वहाँ कहाँ बढ़ रहे हो, घर हमारा ये हो, पानी यहीं पी लो, पानी यहीं पी लो, पानी हम मंगा देंगे, तो पानी बाहर से पियो, घर में कैसे बढ़ रहे हो, घर में क्यों बढ़ रहे हो? अरे पानी यहाँ जाएगा, घर में क्यों बढ़ रहे हो, घर में क्यों बढ़ रहे हो, घर है आपका, आपका घर है फिर नहीं क्यों? हाँ तो बस यहाँ रुक जाओ, पानी आ जाएगा। भाई आप सबके हाथ में ये वीडियो शेयर करनी
और ऐसे गंदे घटिया आदमी की भाई शक्ल देख लो भाई साहब, आपके हाथ में इन लोगों की अदा छुटाना, क्योंकि इनने हमारे हिंदुस्तान का नाम बदनाम कर रखा है। ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने बच्चों की जिंदगी खराब की है, ना जाने कितने ऐसे बच्चे होंगे। ये तो हमें एक बच्चा हाथ लगाए, बेटा दिल से बताओ बेटा तुम पे क्या क्या काम करवाते हैं, सच सच बताओ खुल के, पूरी दुनिया देख रही है तुम्हें, डरो मत, खुल के बताओ क्या क्या काम करवाते तुम पे। डर मत बेटा, डर मत बताओ कौन सी कंपनी में है भाई, देख लो बच्चा अपने मुंह से बता रहा है बेटा, और क्या क्या काम करवाते तुम पे, सच बताओ खुल के, डरो मत, डरने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारे साथ है बेटा। अब बेटा बताओ क्या क्या काम करवाते हैं इनके बच्चे, ना बहन या हमारे सारे मालक है जो ठीक ठाक फैमिली थे, ठीक है बेटा खुल के बताओ, बेटा खुल के बताओ क्या क्या काम करवाते तुम पे, डर मत बेटा डर मत, मैं आऊंगा ना। अच्छा ये बता, तुम भी चाहते हो अच्छे कपड़े पहनना है, अच्छा खाना पीना चाहते हो तुम भी, अच्छे कपड़े पहनना, स्कूल जाना है, खेलना कूदना। भाइयों ये देख लो इस बच्चे नादान का, इस मासूम का बचपन छीना जा रहा है, और उसमें सबसे बड़ा हाथ ऐसे लोगों का है जो कि इन्हें 150 रुपए के लालच में इनको नशा वशा की आदत पड़ जाती है, और इनको नाम बताने में भी इन्होंने नाम भी हमें आधे पौने घंटे में बताया, और हमें ये नहीं पता कि इनका असली नाम है नहीं है, और ये मेरे से बोल रहे हैं कि भाई मेरा हाथ पकड़ के, भाई इधर आ जा मैं बात कर लेता हूँ। भाई क्या बात करूँ ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों से बात क्या करनी है जो जीवन खराब कर रहे हैं इन बच्चों का। बेटा बस इतना बताओ कि तुम चाहते हो कि तुम्हें न्याय मिले, इंसाफ मिले, ये गंदा काम छोड़ना चाहते हो ना, अपनी मर्जी से करना नहीं चाहते ना। भाइयों इस बच्चे की देख लो, मासूम बच्चा है, इसका बचपन छीना जा रहा है, आप सबके हाथ में इस बच्चे को इंसाफ दिलाना आप सबके हाथ में भाई, और इस आदमी को जरा भी शर्म नहीं है, जरा भी शर्म नहीं भाई साहब, ये वैसे ही भाग रहा है, बार बार हम इसे रोक रहे भाग रहा है भाई, फतेहपुर बेरी में। आधार कार्ड क्यों नहीं दिखा रहे आप, आपको किसने अधिकार दिया, ये बच्चे है भाई साहब हमारे भाई भतीजे लगते हैं, हम इन पे ऐसा कोई काम करवाएंगे बहन, अच्छा लगेगा आप है? हम करवाएंगे अपने भतीजे इन पे ऐसा काम है, ये भी तो किसी का बच्चा है, ये भी तो जीना चाहता है, खेलना कूदना चाहता है। ए भाई भाई इस वीडियो को एक बार इन बच्चों की जान बचाने के लिए, इनके बचपन बचाने के लिए शेयर कर देना भाई, जो ऐसे गंदे और घटिया आदमी को ज्यादा से ज्यादा कड़ी से कड़ी सजा मिले भाई। और भाई मैं अभी इनके खिलाफ 100 नंबर की कंप्लेंट करूंगा भाई, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा पूरा साथ दें ऐसे घटिया आदमी को जो अपने लालच में, क्योंकि ये इन्हें मिल जाते हैं 150 रुपए में, और बड़ा आदमी लेता पूरी तनख्वाह, तो अपने ये सस्ते के चक्कर में ऐसे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे भाई। इस वीडियो को एक बार शेयर कर देना भाई, इस घटिया आदमी की एक बार शक्ल देख लो फिर से, एक बार भाई फिर से इस घटिया आदमी की शक्ल देख लो मेरे भाई, इस वीडियो को इतना शेयर करना, अगर आप सच में हिंदुस्तान का भविष्य बचाना चाहते हो और इन बच्चों से प्यार है जरा भी, तो भाई इस वीडियो को एक बार शेयर कर देना बेटा, एक बार हाथ जोड़ के बोल दे कि भाई मेरी मदद करो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, कर दे बेटा बोल दे हाथ जोड़ के, न्याय दिलाओ। भाइयों इस वीडियो को शेयर जरूर करना अगर इन बच्चों का भविष्य बचाना चाहते हो तो आप।